5 एम्बुलेंस है, फ्री सर्विस की एम्बुलेंस है, कल मुमरा के खास करके, कलवा के खास करके, उनसे कहूंगा कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो। और इसके लिए नाराज होके मैं एक महीने तक मुमरा में एक भी प्रोग्राम में नहीं आऊंगा। रहा टाइम्स की न्यूज देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा कौसा में एनसीपी की तरफ से हर रविवार को स्वच्छता अभियान के तहत एक एक वार्ड की साफ सफाई की जाती थी और आज मुमरा कलवा के अध्यक्ष शमीम खान के तरफ से एक एम्बुलेंस का उद्घाटन कैबिनेट मिनिस्टर जितेंद्र अवार्ड ने किया। ये एम्बुलेंस सेवा बिल्कुल फ्री उपलब्ध रहेगी। आपको बता दें कि मुमरा बाईपास टोल नाके से मंत्री जितेंद्र अवहाट को शमीम खान और शानू पठान और उनके तमाम कार्यकर्ताओं ने पिकअप किया और मुमरा बाईपास से किस्मत कॉलोनी तक बाइक रैली निकाली गई, जिस पर कई सवाल खड़े होने लगे। ये रैली की तस्वीरें हैं जो मुमरा बाईपास से किस्मत कॉलोनी तक निकाली गई थी। किस्मत कॉलोनी वार्ड नंबर 30 में स्वच्छता अभियान के तहत साफ सफाई की गई। कौसा ब्लॉक प्रेसिडेंट जावेद मेडिकल ने मंत्री जितेंद्र अवहाट को शॉल उड़ाकर उनका सत्कार किया। इसके बाद एनसीपी कार्यालय पर एम्बुलेंस का मंत्री जितेंद्र अवहाट ने उद्घाटन किया। इस मौके पर सैयद अली, अशरफ भाई साहब, शमीम खान, शानू पठान, रेहान पीतलवाला, जफर नुमानी, राजन किने और तमाम एनसीपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। मगर उद्घाटन के बाद मंत्री जितेंद्र अवहाट ने कहा कि मुमरा में एक बार फिर कोरोना बढ़ रहा है, लोग मास्क और फिजिकल दूरी बनाए रखें। साथ ही ये भी कहा कि हर रविवार को स्वच्छता अभियान की जाती थी और एक महीने तक कोई भी एनसीपी के तरफ से प्रोग्राम नहीं किया जाएगा। जिस तरह से रैली निकाली गई, मंत्री जितेंद्र अवहाट ने कहा कि ये गलत है, इसीलिए वो अब एक महीने तक मुमरा में कोई भी प्रोग्राम नहीं करेंगे क्योंकि इससे भीड़ होती है और जो रूल है उसको कोई फॉलो नहीं करता है। इसलिए अब ध्यान देने की बेहद ज़रूरत है क्योंकि मुमरा में एक बार फिर कोरोना इशारा दे रहा है, संख्या बढ़ रही है। सुनिए मंत्री जितेंद्र अवहाट ने क्या कुछ कहा है और शमीम खान और एनसीपी के और भी नगर सेवक उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। आज किस्मत कॉलोनी में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई है। मुमरा साफ सुथरा रहना चाहिए, इसके पीछे राष्ट्रवादी कांग्रेस और तमाम कार्यकर्ता लगे हुए हैं ताकि बीमारी का फैलाव ना हो। लेकिन आज ये प्रोग्राम में आखिरी घोषित कर रहा हूँ, इसके बाद एक महीने तक कोई प्रोग्राम हम नहीं लेंगे क्योंकि समझदारी की बात यह है कि पेशेंट बढ़ने लगे। जो मुमरा जीरो पे आ गया था, लगातार 14, 9, 10 ऐसे पेशेंट आ रहे हैं। ये एक धोखे का इशारा है। मैं आप तमाम हजरतान जितने भी यहाँ के नागरिक हैं, कल मुमरा के खास करके, कलवा के खास करके, उनसे कहूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, अंतर रखो अपने आप में, मास्क का इस्तेमाल करो और मास्क का इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहने की कोशिश करो। काम धंधे पे भी जा रहे हो तो सब जितनी भी आपको गाइडलाइंस दी है, मास्क पहनो, हाथ धोने धो के काम करो, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करो, उसका सबका पालन किया जाए क्योंकि ये बीमारी हमको आस्ते आस्ते कम होते जा दिख रही थी, आज अचानक बढ़ने के आसार दिख रहे हैं। ये धोखे की घंटा है, इसको इशारा समझो। सर, आज जो एम्बुलेंस उद्घाटन किया गया है, क्या ऐसे ये मुझे लगता है कि चौथी पांचवी एम्बुलेंस हमने दी है मुमरा की सेवा के लिए। मुमरा कौसा की एम्बुलेंस है, 5 एम्बुलेंस है, फ्री सर्विस की एम्बुलेंस है। मुमरा के तमाम लोगों को जो जो ज़रूरत है उसकी पूरी करने की हम कोशिश कर रहे हैं। सर, ओपनिंग के चलते जो रैली निकाली गई उसके भी लोगों ने सवाल उठाए। नहीं नहीं, वो बराबर है, इसीलिए मैंने डिसीजन लिया कि ये जो उत्साह है वो कम नहीं होता है और बड़े आने के बाद लोग कोई कानून का पालन नहीं करते, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखना चाहिए। और इसके लिए नाराज होके मैं एक महीने तक मुमरा में एक भी प्रोग्राम में नहीं आऊँगा। एम्बुलेंस अवार्ड साहब ने प्रोवाइड किया और शमीम भाई की इत्तेहाद वेलफेयर कमेटी इसको पूरा मेंटेन्स करेगी, उसको देखेगी और बड़ी जिम्मेदारी लिया इन्होंने, क्योंकि एम्बुलेंस चलाना, मैं एकदम साफ बता रहा हूँ, एम्बुलेंस चलाने का मतलब सफ़ेद हाथी पालना है। आप लोग बहुत जल्दी आरोप लगा देते हो एम्बुलेंस किधर है,
एक टायर फटता कम से कम 4 घंटा जाता है, तो बड़ा वो है। शहर में हमारे और शहरों से बेहतर एम्बुलेंस यहाँ पे काफी है, हर लोगों को 5 एम्बुलेंस लगभग है, संस्थाओं की है, फरीद भाई की, फरीद भाई नूरी की है, शमीम भाई की है, तो काफी मतलब शहर में इस हिसाब से तो काफी एम्बुलेंस हमारे पास है। ठीक है, लेकिन अभी जिस तरह से एम्बुलेंस का उद्घाटन हो रहा है, क्या आपको लगता नहीं कि ये सब और भी पहले होना चाहिए? देखिए, और पहले थी, एम्बुलेंस थी, पहले एम्बुलेंस हुई थी, एक ओपनिंग हुई थी, उसकी वो खड़ी है, उसकी जगह एक और लेके आ गए ताकि और अच्छा हो जाए, ताकि कोई जरूरत पड़ जाए तो, वैसे इंशाल्लाह ताला जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट नगर सेवक राजेंद्र चिनी साहब, रेहान भाई पितलवाला, हमारे भाई शानू पठान साहब और तमाम नगर सेवक, जबर नवानी, अभिजा नाइक साहब, आज जो ये हमारा प्रोग्राम था जावेद मेडिकल, हमारे जो कोसा के ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया था, स्वच्छता अभियान का ये प्रोग्राम था और सफाई का पूरा वहाँ पे 10 बजे से काम स्टार्ट था। मंत्री जी आए वहाँ पे, जाके उन्होंने जायजा लिया, भाई साहब ने जायजा लिया, उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे जो आज हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र भाई साहब की जानिब से ये जो एम्बुलेंस दी गई हमारे शहर को, वाकई में हम दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इसको मैनेज करने का काम पूरा इत्तेहाद रुपये दर्ज करेगी और इसके साथ साथ में इससे पहले भी एक एम्बुलेंस दी गई थी शहर को मंत्री जी की तरफ से, और भी हमारे फरीद नूरी साहब, शानू पठान साहब, हमारे बहुत सारे साथियों ने एम्बुलेंस यहाँ रखी है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ मैं, ये एम्बुलेंस फ्री ऑफ चार्ज है, मुफ्त एम्बुलेंस है। कोई भी हम लोग जो भी एम्बुलेंस प्रोवाइड शहर के लिए हमारे नेताजी ने किया है, कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ चार्ज है और इसका लोग फ़ायदा उठाएँ, क्योंकि देखिए कोरोना कहीं ना कहीं भाई साहब बढ़ रहा है। अगर हम ये बात कहें कि अभी जैसे आपने सवाल किया, मंत्री जी ने कहा कि एक महीना हम नहीं आएंगे, उनका ये कहना है कि हम मुमरा में प्रोग्राम नहीं लेंगे ऐसा कोई जहाँ पे कोई प्रॉब्लम पैदा हो सोशल डिस्टेंसिंग का, बाकी वो बाकी शहर को लेकर के वो हमेशा एक्टिव रहे, हमेशा एक्टिव रहेंगे, लेकिन ऐसे प्रोग्राम जहाँ पे गैदरिंग हो जाए तहाँ के लिए उन्होंने कहा है कि हम प्रोग्राम नहीं लेंगे। जब मामला शांत हो जाएगा, अल्लाह करे ये माहौल जो चल रहा है कोरोना का, जल्द खत्म हो जाए और आगे जा करके हम लोग जो है फिजिकल तरीके से अपने आप को मेंटेन करते हुए हमारी पार्टी का जो प्रोग्राम उसको हम लोग लेंगे। लेकिन अगर किसी को भी मैं मुमरा कौसा कड़वा के आवाम से कहना चाहता हूँ कि आप लोग जब भी कोई ज़रूरत लगे राष्ट्रवादी कार्यालय ऑफिस के बाहर ये एम्बुलेंस इस तरीके से खड़ी रहेगी, दूसरी एम्बुलेंस बाजू में खड़ी है, आपको कोई भी चार्जेस देना नहीं है। यहाँ पे भाई साहब 3 ड्राइवर हैं, डॉक्टर राशिद साहब कहाँ है, डॉक्टर राशिद साहब इस एम्बुलेंस पे रहेंगे 8 घंटे का राजेंद्र सिंह साहब, यहाँ पे 3 ड्राइवर रहेंगे, एक ओटो मेंटेन करने का एक आदमी रहेगा और डॉक्टर राशिद साहब खुद इस एम्बुलेंस पे रहेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी ज़रूरत हो आप कार्यालय ऑफिस पे, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एक उनका भी नंबर चला दीजिए, इससे आगे जाकर किसी को दिक्कत पैदा ना हो और दफ्तर पे आकर के रास्ता कायम करें, इंशाल्लाह ताला उनको एम्बुलेंस मिल जाएगी। क्या कहेंगे आप ऐसे मौके पर जो एम्बुलेंस उद्घाटन किया गया है? भावट साहब की जानिब से ये एम्बुलेंस दी गई है और शमीम भाई का इत्तेहाद वेलफेयर ट्रस्ट इसको मैनेज करेगा और आपको ये बात बताता चले कि 3 शिफ्ट में ये एम्बुलेंस ऑपरेट होगी, 3 ड्राइवर है इस एम्बुलेंस पे और सबसे बड़ी इसकी खसूसियत ये है कि ये एम्बुलेंस फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये एम्बुलेंस की 24 आवर्स शहर को सर्विस रहेगी और ये एम्बुलेंस फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगी, 3 शिफ्ट में चलेगी, 3 ड्राइवर चलाएंगे इसको और जिन हजरात को इसकी ज़रूरत हो बस उनको सिर्फ पार्टी कार्यालय में आना है, राष्ट्रवादी पार्टी में इसके कार्यालय में, और उनको इसकी जो फैसिलिटी मुहैया हो जाएगी इंशाअल्लाह। कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है 3 ड्राइवर के और 3 शिफ्ट में ये एम्बुलेंस डे एंड नाइट काम सर्विस करेगी इंशाअल्लाह। क्या कहेंगे आप एम्बुलेंस का उद्घाटन किया गया आज? इस कोरोना के दौर में एम्बुलेंस जैसी सुविधा जितनी हो उतनी कम पड़ती है। मैं हमारे मंत्री महोदय जितेंद्र और सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनके मार्गदर्शन में शमीम खान साहब जो इत्तेहाद वेलफेयर ट्रस्ट के माध्यम से आज उन्होंने इससे पहले भी दो अढ़ाई महीने पहले भी एक एम्बुलेंस का इस्तकबाल किया था और आज भी उन्होंने एक नए एम्बुलेंस का व्यवस्था किया है। मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उन्होंने मुमरा के लिए एक और ऑटो एम्बुलेंस का व्यवस्था किया है। ये एम्बुलेंस की सुविधा के लिए आप कभी भी राष्ट्रवादी पक्ष कार्यालय शमीम खान वहाँ पर 3 ड्राइवर का उन्होंने व्यवस्था किया है, ये एम्बुलेंस 24 घंटा उपलब्ध रहेगी, उनका मैं मुमरा वासियों की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और फिर एक बार उनका और सबका और पूरे राष्ट्रवादी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ।